श्रीमद् भागवत कथा की दिव्यता और भगवान कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करने आ रहे हैं श्री दीपक कृष्ण शास्त्री जी। स्थान श्री शिव मंदिर, चैनपुर मनेन्द्रगढ़, छत्तीसगढ़। बोले शंकर भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम निरन्नबलनामरणीम सुभरणरजचत्रशाम चंद्राभिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह ताम मावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यामिरण्यं विन्देयं गामस्सं पुरुषानहं अश्वपूर्वामृतमध्यं हस्तिनादप्रमोदिनी श्रियं देवी मुभवै शीर्मा देवी जुषदां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मभरणां तामिहोपवै श्रियं चन्द्रां प्रभासां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोति जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोद बिल्व तस्य बलानि तपसानुदन्तो बाह्यान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः नमो नमस्तेस्तु। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फिल्लारविन्दायत भद्रनेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदये साग्रपदाकिलोपनिषदै गायन्ति यां सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा यस्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तानविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं बटस्पुटस्य पुटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। रमश बोलिए भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। ध्याय ध्यानम समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थना क्षमा प्रार्थना पूर्वकम् नमस्करोमि। ॐ श्री ज्वालामालिन्यै नमः। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली। नमोस्तुते जले ज्वालास्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तिके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी। नमोस्तुते ॐ हविः व्रजननं मे अस्तु दशवे रघुं सर्वकालगुणस्तये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनिभय शनि अग्नि प्रजा बहुला मे करो तन्न पयोरेस्वासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सरस कराने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि
नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है सत्य गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है यह सुख करनी यह दुख हरनी सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप है तारती भागवत भगवान की है आरती हो पापियों को पाप से है तारती मार्ग बताने वाला है बनाने वाला है ये मधुर बोल जग पंत बोल सन मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही जग के महिमा की आरती आपियों को बोले भागवत महापुराण की जलेल शीतलीकरणम पुष्पे देवा निबंधनम आरोग्यार्थे आत्मा निबंधनम परमात्मा निबंधनम स्वयमेव आत्मा निबंधनम हस्तो प्रक्षालनम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि
समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा धेयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदांसु विरञ्चन संशरणम् भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाद्दीपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ध्याये नित्यं महेशं व्रजति गिरिनिभम् चारुचंद्रावतंसं रत्नाकलपोज्ज्वलांगं परशमिगवरावीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माश्वेनं समन्तास्तुतममगणे व्याधिकृत्यं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चभगत्रं त्रिनेत्रं दूर्वादलंति दुतितनो तरुणार्जुनेत्रं हेमाद्वरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कण्ठर्वकोटिकमणि यतिशौर्यमूर्तिं मूर्तिं मनोरथ भुवा भजुषां नकेशम् अतुलितवलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानम् ज्ञानिनामात्रगणम् सकलगुणनिधानम् वानराणामुधीशम् रघुवरप्रियभक्तं वातुजातं व्यास ऋषि के पद कमल बारंबार मना गुण गाऊं श्री कृष्ण के शंकर हो तुलेत सदा शुद्ध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक दीपक कृष्ण के प्रभु श्री राधे श्याम तो राम कथा के रसिक तुम महावीर हनुमान आय सुवासन तेज पुंज बलवा तो कृष्ण कथा के रसिक तुम विश्वनाथ भगवान आय सुवासन लीजिए तेज पुंज बलवा तो नमस्कार है चरणों में दर्शन दिखलाओ कथा सुनाने की शक्ति दो लाज बचाओ बोली राघवेंद्र सरकार की बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो विश्वनाथ भगवान की जय हो महामाया माई की जय हो
भागवत महापुराण की जय हो। नीलकंठ भगवान की जय हो। राधे श्याम भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्दित अभिनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रेमियों, विराजमान भगवत चरण अनुरागी स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय परम वंदनीय मेरी मातृशक्ति, परमपिता परमात्मा महापुरुषों की आशीम अनुकंपा आशीम आशीर्वाद जब होता है, भासते सर्वेदेशु गीयते नारदादिभि वदन्ति सर्वलोकेषु तरन्ति भव सागर। भागवत श्रवण में तभी रुचि हो पाती है जब हमारे पूर्वजों की महापुरुषों की कृपा हो। भागवत में कितने अक्षर हैं? भागवत चार अक्षर, और चारों अक्षरों का अलग अलग प्रताप है। भाके कहे से भाग खुल जात जीवन के, हाँ भाके कहे से भाग खुल जात जीवन के, गाके कहे से गिर गुमान गल जात है, वाके कहे से वर्ण होए विष्णुदासन में, ताके कहे से तन तरुण दिखात है। कितनी बड़ी कृपा, कितनी बड़ी सामर्थ इस ग्रंथ में है। किसी ज्योतिषी को जाकर के ना अपनी हाथों की रेखाएं दिखाना, और यदि वो ज्योतिषी कहता है कि राहु की रेखा बढ़ गई है, शनि की रेखा बढ़ गई है, या केतु की रेखा गड़बड़ है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ चले आना है वहां से, और 7 दिन ही मन क्रम वचन से कथा श्रवण करना है। जब भी कीर्तन हो ना तो सिर्फ और सिर्फ ताली बजाना है, और 8वें दिन प्रसाद ग्रहण करके फिर ज्योतिषी को दिखाना हाथ। फिर ज्योतिषी आपके हाथ को देखेगा, फिर आपके चेहरे को देखेगा कि आप वही हो कि बदल गए हो। ये सामर्थ्य है कि हाथ की रेखाओं को भी बदल देने की सामर्थ्य कहीं है, वो है संकीर्तन में। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, गोविंद के चरणों में मन को लगाने के लिए, मन है एव मनुष्याणां कारणं बंध जायते। मन को गोविंद के चरणों में अर्पण करने के लिए, मन बहुत बहुत तीव्र है, मन को संभालना साधारण बात नहीं है, मन की गति बहुत तीव्र है, और इतने तेज चलने वाले व्यक्ति को पकड़ पाना संभव नहीं है। आइए पहले मन क्रम वचन से संकीर्तन करते हैं भगवान नाम, इसके पश्चात हनुमान जी की कृपा। बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल, हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल केशव माधव। बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। सभी लोग बोले भाव से जय हो।
ताली बजाते हुए बोल के सब माधव गोविंद बोल के सब माधव हरि हरि बोल के सब माधव गोविंद बोल के सब माधव जय हो गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद जय हो बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रद्धा के साथ प्रेम से काली सेवा करते हुए संकीर्तन में सम्मिलित होते हरि बोल और राम नाम के सब अधिकारी बालक गोविंद
भागवत महापुराण की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कल कथा किस किस ने सुनी है बताओ, किसने नहीं सुनी? हाथ उठाओ। तो कहां तक सुनी है ये पता नहीं है, है ना? कोई पता नहीं है। बताओ मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, कल कथा श्रवण कर रहे थे, शुज जी से शौनक ऋषि प्रश्न किए कि भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो, क्योंकि जो शांति जो आनंद भक्ति में है ना, वो इस संसार में शांति नहीं है। असारे संसारे असार का खजाना है, अशांति ही अशांति है, शांति नहीं है। तो भक्ति कैसे मिले? कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत, गोविंद कैसे मिले? कोई उपाय है? कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदारुणा, कोई साधन बताएं शिव जी, क्योंकि हमारे हृदय में बैठे अंधकार को दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं, आप में सामर्थ्य है, इसलिए प्रार्थना है। बोलिए ना प्रेम से, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सभी लोग तेजी से बोला करें, जय श्री कृष्णा। ये बात जय श्री कृष्णा क्यों बोलाते हैं पता है? एक बार जब राम जी ने ना कुंभकर्ण की पत्नी को मार दिए, कुंभकर्ण को मार दिए, उनकी पत्नी का क्या नाम है पता है? निद्रा देवी। निद्रा देवी राम जी के पास आ गए, बोली आपने ठीक नहीं किया।